अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। विधायक और उनके पुत्र द्वारा झूठे राजनीतिक श्रेय लेने के लिए पूरे शहर में विद्युत खंभों पर लगभग 500 होर्डिंग लगा दिए गए। उनके वजन से अनेक विद्युत पोल टूट भी गए। तब नगर निगम के यह जवाबदार अधिकारी कहाँ थे? ऐसे भेदभावपूर्ण तरीके उसको रोका नहीं गया तो हम संपूर्ण शहर में आंदोलन चलाएंगे और विधायक की मिली भगत से नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार को जनता से अवगत कराएंगे। ये तो ज्ञापन है साहब, आपसे निवेदन है हमारे निर्देश पर हटाने बाबत महोदय सिद्धिविनायक भक्त मंडल द्वारा विगत कई वर्षों से कावड़ यात्रा निकाली जा रही है। मंडल द्वारा धर्म प्रेमी जनता को कावड़ यात्रा की सूचना देने के लिए प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी मुख्य चौराहे से अवगत कराएंगे। ये तो ज्ञापन है साहब, आपसे निवेदन है हमारे 10 दिन बचे हैं, 10 दिन के लिए हमारे होर्डिंग फिर से लगाए जाए, अन्यथा ये आंदोलन बंद नहीं होगा। आप आइए, बर्दाश्त हम सब लोग नहीं करेंगे। आज ये 2 घंटे की तैयारी है आयुक्त महोदय, हमको विवश मत करना कि एक दिन पूरे दिन की तैयारी करना पड़े और इस देवास में नगर निगम प्रशासन को हम ईट से ईट बजाने के लिए हम लोगों को विवश न होना पड़े। ताकि कहने में आकर किसी भी प्रकार के होर्डिंग उतरा दोगे। आज हमारा एक मुख्य आपसे मांग है हमारी कि ये जो आप चापलूसीगिरी कर रहे हो, ये जो आप विधायक के कहने में इस प्रकार के काम कर रहे हो तो समझदार हो जाना, समझ जाना कि देवास की जनता जाग उठी है और हमारी मांग है कि जो आपने कटआउट निकाले वो कटआउट वापस हमको दिए जाए और वो फिर से 10 दिन के लिए कटआउट सारे यात्रा के दिन। नर्मदा नायक जिन्होंने पैदल चल के नर्मदा आई तो नहीं स्कीम में जरूर डला दी, नर्मदा पे हमने हमारा दाव हमारा प्रभाव छोड़ने के लिए हमारा हक जताने के लिए पद यात्राएं की,
उनके होर्डिंग जब नर्मदा नायक के नाम से लगाए तो सबसे ज्यादा तकलीफ विधायक को हुई, यहाँ पर बैठे महापौर को हुई, महापौर पति को हुई, तुरंत होर्डिंग निकाल दिए। मैं महापौर जी, सभापति जी और विधायक जी, अब ये पुराना देवास नहीं रहा, ये नया देवास है। इसमें आपकी हर धर्मिताओं को सहा नहीं जाएगा, आपके आतंक को सहा नहीं जाएगा। हम जवाब जरूर देंगे और आने वाले समय में निश्चित तौर पर आपको जवाब इसका मिलेगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सब लोग। हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ नेता श्री सिद्धि विनायक भक्त मंडल देवास, प्रति श्री आयुक्त महोदय, नगर पालिका निगम देवास, कांवर यात्रा के लिए धारे छोटे को भेदभाव से व्यवस्था पूर्व कार्रवाई कर विधायक के निर्देश पर हटाने बाबत महोदय सिद्धि विनायक भक्त मंडल द्वारा विगत कई वर्षों से कांवर यात्रा निकाली जा रही है। मंडल द्वारा धर्म प्रेमी जनता को कांवर यात्रा की सूचना देने के लिए प्रतिवर्ष अनुसारिक वर्ष भी मुख्य चौराहों पर मंदिरों के सामने होर्डिंग लगाए गए, जिन्हें विधायक द्वारा अपने अधिकारियों को निर्देश देकर हटाया जा रहे हैं। जबकि विगत 6 माह से विधायक और उनके पुत्र द्वारा झूठे राजनीतिक सेल लेने के लिए पूरे शहर में विद्युत खंभों पर लगभग 5। ये जो कांवड़ यात्रा मध्य प्रदेश का गौरव है और उसकी सूचना के लिए शहर में लोगों को सूचना मिले, इसके लिए कुछ कार्यकर्ताओं ने होर्डिंग के माध्यम से लोगों को सूचित किया, और वो कार्यकर्ता जो खून पसीने से पैसा कमाते हैं उनके पैसे से ये होर्डिंग लगे थे, जुमे सट्टे वालों के नहीं थे। साथियों, श्रीमान आयुक्त महोदय को भी कह देना चाहता हूं कि यहां पर आप अभी नए नए आए हैं, अपनी की छवि को सुधारने के लिए और झूठी वाहवाही लूटने के लिए विधायक और विधायक पुत्र ने जब पूरे देवास को होर्डिंग से भर दिया, दुर्घटनाएं हुई, पोल टूटे, लेकिन किसी को जब स्वच्छता अभियान की चिंता नहीं हुई। आज जब 10 दिन की बात है, ये जितने नागरिक हम खड़े हैं सब देवास को सबसे आगे देखना चाहते हैं, सब देवास को भारत में और सबसे आगे देखना चाहते हैं, हम देवास को स्वच्छ देखना चाहते हैं। सबके सामने ये किया है, मीडिया भी यही खड़े थी, रिकॉर्डिंग भी दिए जाएंगे, फिर से लगाए जाएंगे। देखिए ये कैसा सोचा लग रहा है, एक माँ बेटे जो अपनी छवि को चमकाने के लिए झूठा प्रचार करने के लिए 6-6 महीने तक होर्डिंग लगा कर रखते हैं। नगर निगम के कर्मचारी होर्डिंग लगाते हैं, पोल टूटते हैं, नुकसान होता है, जनता के राजस्व का नुकसान होता है। कोई अगर नर्मदा नायक नाम लिख के अगर होर्डिंग लगाता है उनको होर्डिंग उतरा देते हैं, बोले कि देवास में नर्मदा नायक कोई हो नहीं सकते। जबकि जो लोग पैदल चल कर गए उनकी बात जनता तक पहुँचना चाहिए, उनके होर्डिंग शहर में लगना चाहिए। आज कांवड़ यात्रा 20 तारीख की है, आज सब लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश का गौरव बन गई है कांवड़ यात्रा। 1 लाख लोगों तक लोग शामिल होते हैं इसमें, और इस कांवड़ यात्रा की सूचना देने के लिए हमने होर्डिंग पोस्टर लगाए, जो खनिश्रा में आते ही बराबर होर्डिंगों को विधायक के कहने पर तुरंत उतरा दिया। इसका विरोध है हमारा और विरोध पूरे देवास शहर में विरोध है। क्या बोले निगम कमिश्नर का? निगम कमिश्नर का कहना है कि हम कृपा के हम वापस आपके होर्डिंग भी वापस करेंगे और लगवाएंगे। समय अवधि भी दिए और कथावाचक प्रदीप मिश्रा के जो बैनर पोस्टर निकले, जन आंदोलन आपका हुआ। देखिए ये जो आपने बात कही, निश्चित तौर पर पंडित मिश्रा हमारा गौरव है, पंडित जी गौरव है भारत का, पंडित जी गौरव है मध्य प्रदेश का। उनकी तस्वीरें लगकर कोई होर्डिंग लगा है तो लोग आस्था के साथ उस होर्डिंग को सर झुकाकर नमस्ते कर कर जाते हैं, और ये इस प्रकार से जो आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं ये होर्डिंग, कदाचित उचित नहीं है। इसमें मैं सीधा सीधा विधायक जी को से कहना चाहता हूँ, विधायक पुत्र से कहना चाहता हूँ, महापौर से कहना चाहता हूँ, अहंकार इतना अच्छा नहीं है। याद रखना, ये जनता अगर साथ देती है ये जनता सड़क पर भी ला सकती है, इसका ध्यान रखना। धन्यवाद। वापस भगवान शिव को लेकर के जो कांवड़ यात्रा संबंधित बैनर पोस्टर लगे थे उनको निकाला गया है, क्या कुछ मामला और इतनी बड़ी संख्या में जो विरोध प्रदर्शन हुआ था उसको लेकर? बेसिकली एक पूरा देश में ये चीजें हैं कि आप लोग भी जानते हैं
कि स्वच्छता सर्वेक्षण एक सबसे अहम भूमिका रहता है, जिसमें सभी लोग मिलजुल के प्रतिभागिता करते हैं, चाहे वो वहीं भी हो। तो इसमें ये सभी लोग चाहते हैं कि हमारे जो भी नॉर्म्स आते हैं, चूँकि सर्वेक्षण का समय बड़ा निकट है, तो उसी जो तारतम्य में हम लोगों के द्वारा नियमित रूप से जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो उसी का प्रक्रिया का पालन जो समान रूप से सभी पे किया जाता है, वो संरक्षण के लिए निगम की टीम द्वारा किया गया। सर, यहाँ पर जो MLA है उनके निर्देशन में यहाँ के संबंधित अधिकारियों ने इस प्रकार की कार्रवाई की, ऐसा आरोप प्रदर्शनकारियों का है। जैसा कि मैंने आपको स्पष्ट किया कि स्वच्छता सर्वेक्षण के अनुरूप जो है सभी नॉर्म्स हमारे पास में रहते हैं, उसी के तदनुसार हम लोग नियमित रूप हमारी जो प्रक्रिया वो हम प्रक्रिया का पालन करते हैं। सर, आपने आश्वासित किया है कि वापस लगा दिए जाएंगे बैनर पोस्टर। बेसिकली जो नॉर्म्स है उस नॉर्म्स का पालन सभी को करना चाहिए, क्योंकि स्वच्छता सर्वेक्षण एक किसी व्यक्ति विशेष या निकाय का विषय नहीं है। और जहाँ तक है कि ये सारी चीज़ों को मतलब पालन यदि करते हैं, तो काफ़ी एक अच्छा संदेश जो है ऊपर तक जाता है कि स्वच्छता के प्रति लोग कितने जागरूक। प्रदर्शनकारियों का ऐसा कहना है, कांवड़ यात्रा निरंतर कई वर्षों से निकाली जा रही है, स्वच्छता मिशन या इस प्रकार की कार्रवाई भी हमेशा से होती आई है, पर त्यौहार विशेष को देखते हुए और इस यात्रा को देखते हुए प्रशासन द्वारा सहयोग किया जाता है, पर इस बार नहीं, ऐसा क्यों? बेसिकली जहाँ तक मेरे संज्ञान में है, तो निगम के द्वारा या किसी अन्य निकाय के द्वारा इस प्रकार की कोई अनुमति या कोई चीज़ था तो मेरे सामने प्रदर्शित तो नहीं की गई है। सर, ये बैनर जो हटाए गए वापस लगे हैं? हम पहले में कंप्लीट थे, मेरे सामने कोई अनुमति या कोई चीज़ प्रदर्शित नहीं कर रही, चूँकि जैसे आपने बताया कि कोई विशेष चीज़ रहती है तो ऐसा उसमें प्रावधान रहता है, तो हमारे निगम के द्वारा कोई जो अनुमति है वो ज्ञापित हम लोगों ने नहीं की। सर, उनका ऐसा कहना है कि अनुमति कलेक्टर साहब के संज्ञान में थी और अनुविभाग अधिकारी द्वारा मांगी गई है। मेरे संज्ञान में नहीं। सर, ये बैनर लगेंगे या नहीं लगेंगे वापस? अभी जहाँ तक मैं बता रहा हूँ, स्वच्छता संरक्षण सभी के लिए सर्वोपरि होता है और वो सभी को उसमें प्रतिभागी रहना चाहिए। जैसे सर आपने बाहर आश्वस्त किया है कि बैनर लगाए गए, बैनर पोस्टर जो यदि हैं उनके पास के जो भी हमारा जो रहता है, यदि उसके हैं तो वो अपना क्लेम करें, निगम उस पर फिर बाद में तदनुसार कार्रवाई करें। तो नगर निगम द्वारा लगाया नहीं जाएंगे ये मान लें? सर, ये प्रश्नवाचक बात हुई आपकी, जो मैं कह रहा था आपकी कि इसमें जैसे स्वच्छता सर्वेक्षण में आप भी प्रतिभागी हैं, मैं भी प्रतिभागी हूँ, समस्त लोग जो है प्रतिभागी हैं। ठीक, ओके, थैंक यू सर।